भारत भौगोलिक विविधताओं से संपन्न देश है। यहाँ मैदान, पठार, पहाड़ी क्षेत्र, दलदली क्षेत्र आदि भौगोलिक विशेषताएं पाई जाती है। भारत के प्रत्येक राज्य में अलग अलग परंपराएं, रीति रिवाज, कला और संस्कृति मौजूद है, जैसे कि रहन सहन, पोशाक, खान पान, स्थानीय संगीत, नृत्य आदि। जब भी देश में किसी भी क्षेत्र की संस्कृति को कोई हानि या खतरे का संकेत मिलता है तो स्थानीय लोगों ने उसके खिलाफ हमेशा से ही अपने पूरे सामर्थ्य के साथ आवाज़ उठाई है। ऐसे ही एक गूंज उत्तराखंड राज्य के नागरिकों द्वारा उत्तराखंड की संस्कृति को सहेजने के लिए उठाई जा रही है। उत्तराखंड रीति रिवाजों, परंपराओं, कला और संस्कृति आदि से समृद्ध राज्य है। यहाँ की सांस्कृतिक विशेषताओं का गवाह पूरा देश ही नहीं बल्कि विश्व भी किसी न किसी रूप में रहा है। चाहे उत्तराखंड का संगीत, नृत्य, भाषाएं, बोलियां ही क्यों न हो, या आयुर्वेद औषधियों से समृद्ध पहाड़ी क्षेत्र हो, या अनेक पावन पवित्र नदियों का उद्गम क्षेत्र, ऋषि मुनियों की समृद्ध ज्ञान परंपरा ही क्यों न हो आदि, ऐसे ही अनेक और भी विशेषताएं उत्तराखंड की भूमि पर मौजूद है। अगर सोचने बैठे तो एक बड़ी लिस्ट तैयार हो जाए। पर बात करते हैं उत्तराखंड में भू कानून की जरूरत क्यों पड़ी। उत्तराखंड राज्य बनने के बाद सन 2002 तक उत्तराखंड में अन्य राज्यों के लोग केवल 500 वर्ग मीटर जमीन खरीद सकते थे। 2007 में यह सीमा 250 वर्ग मीटर कर दी गई। 6 अक्टूबर 2018 में सरकार अध्यादेश लाई और उत्तर प्रदेश जमींदारी विनाश एवं भूमि सुधार अधिनियम 1950 में संशोधन का विधेयक पारित करके उसमें धारा 143 को और धारा 154 जोड़कर पहाड़ों में भूमि खरीद की अधिकतम सीमा समाप्त कर दी गई। उत्तराखंड का भू कानून बहुत ही लचीला है, जिसके कारण यहाँ की जमीन देश का कोई भी नागरिक आसानी से खरीद सकता है। वर्तमान स्थिति यह है कि देश के हर कोने के से लोग यहाँ जमीन लेकर रहने लगे हैं, जो उत्तराखंड की संस्कृति, भाषा, रहन सहन, उत्तराखंड समाज के विलुप्ति का कारण बन सकता है। धीरे धीरे यह पहाड़ी जीवन शैली पहाड़वाद को विलुप्त की ओर धकेल रहा है। इसलिए सामाजिक एवं राजनीतिक क्षेत्र में सक्रिय लोग एवं सख्त हिमाचल के जैसे भू कानून की मांग कर रहे हैं। यहाँ के कुछ लोग क्षणिक धन के लालच में अपनी पैतृक जमीनों को अन्य राज्य के लोगों को बेच रहे हैं। उन लोगों को या तो भविष्य का ये भयानक खतरा जो हमारे समाज के सीधे साधे लोगों को नहीं दिख रहा है, या फिर पैसे के लालच में जानबूझकर अपनी कीमती जमीनों को बेच रहे हैं। इसी के विरोध में उत्तराखंड के लोग भू कानून की मांग कर रहे हैं।